कि जो दिलीप कुमार झा जी है जो कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिरौर दरभंगा में पोस्टेड थे, उनका एक महीने पहले ट्रांसफर कर दिया था। एक चुनाव आयोग को हम लोगों ने फिर से कंप्लेन किया रिगार्डिंग द पार्टीशन अप्रोच ऑफ मिस्टर दिलीप कुमार झा एसडीपीओ बिरौर दरभंगा, और ये 23 अक्टूबर को हम लोगों ने कंप्लेन चुनाव आयोग को किया। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से जुड़ी हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी ने बड़ा खुलासा भी किया है। तेजस्वी ने खुलासा किया है कि बिरौल के डीएसपी पर नीतीश सरकार मेहरबान है और साथ ही वोटरों को धमकाने के लिए सरकार ने फिर से पोस्टिंग की है बिरौल डीएसपी के पद पर दिलीप कुमार झा की। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है। दोनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांटे की टक्कर है। इस बीच तेजस्वी ने गंभीर आरोप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगाए हैं और साथ ही प्रूफ भी तेजस्वी ने दिखाया है। क्या कुछ करें आपको सुनवाते हैं। पहले बिहार विधानसभा में एक अधिकारी है जिनके खिलाफ हमारे सचेतक ने सवाल पूछा था और उस सवाल के बाद हमने कार्रवाई की। अधिकारी है श्री दिलीप कुमार झा जी जो कि डीएसपी रहे दरभंगा जिले में, कई कई 4-4 साल से भी ऊपर तक इनकी पोस्टिंग नहीं है। तो जब सवाल पूछा गया कि भाई हिंसा से ज्यादा किसी अधिकारी को ले रहा है, ये पक्षपात करते हैं, तो पूरी तरीके से पुलिस का ना काम करके जेडी का जो वर्कर होता है वो काम करते हैं। तो 9/9/2021 को एक नोटिफिकेशन निकलता है नाम से कि जो दिलीप कुमार झा जी है जो कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिरौर दरभंगा में पोस्टेड थे, उनका एक महीने पहले ट्रांसफर कर दिया जाता है। पुलिस उपाधीक्षक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 15 बना है। पुलिस उपाधीक्षक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 15 बधा में, यानी ठीक पहले, एक महीने पहले इनका पोस्टिंग जो है बधा कर दिया जाता है। दरभंगा बरौल क्षेत्र के जो स्थान है वहां कई कई साल तक रहे मतदाताओं को डराना धमकाना, क्योंकि हम लोगों को डर था। इसलिए हम लोगों ने एक चुनाव आयोग को हम लोगों ने फिर से कंप्लेन किया रिगार्डिंग द पार्टीशन अप्रोच ऑफ मिस्टर दिलीप कुमार झा एसडीपीओ बिरौर दरभंगा, और ये 23 अक्टूबर को हम लोगों ने कंप्लेन चुनाव आयोग को किया था। अब चुनाव आयोग ने हमारे कंप्लेन पर जवाब दिया, वो जवाब 26 अक्टूबर को आता है 2021, यानी 23 को हमने कंप्लेन किया और ये 26 अक्टूबर को जवाब आता है। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि अनुरोध है कि उपयुक्त के संबंध में जांचोपरांत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन यथाशीघ्र इसी कार्यालय को उपलब्ध कराने की बात की जाए। जो दिलीप कुमार झा जी एसडीपीओ बिरौर दरभंगा के विरोध मतदाताओं को प्रभावित करने के संबंध भी परिवार के संबंध में था, यानी साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन का यह निर्देश दिया गया। अब आश्चर्य की बात यह है कि एक महीने पहले उनका ट्रांसफर होता है और फिर उनको दरभंगा बिरौर यानी कुशेश्वर स्थान में पोस्टिंग कर दी जाती है एज ए डेप्यूटी शेयर।
तो उनको एक महीना पहले बथा में ट्रांसफर कर दिया गया। चुनाव की घोषणा होती है तो उसके बाद जो है इनको डेपुटेशन पे ले आकर के जिम्मेदारी दी जाती। और हम लोगों ने जब डेपुटेशन पे इनको लाया गया उसके बाद हम लोगों ने 23 तारीख को कंप्लेन के इलेक्शन कमीशन, 26 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने वहां के जो दरभंगा के जो इंचार्ज है एसएसपी है जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं वहां पे उनको साफ तौर पर बोला कि नियमानुसार जो है कार्रवाई किया जाए और सारी रिपोर्ट जो है जांचों का हमको उपलब्ध कराई जाए। लेकिन आश्चर्य की बात है कि सरेआम प्रशासन देखिए इलेक्शन कमीशन का बात ना सुनते हुए कोई कार्रवाई नहीं की गई बल्कि वहां के जो भी एसएसपी है या वरीय अधीक्षक है या जिला निर्वाचन पदाधिकारी है वो हमारे पास लिस्ट है कि कौन कौन अधिकारी को कहां कहां ड्यूटी लगाया गया। तो हम लोग देखते हैं भाई कि ये जिनके खिलाफ हमारा कंप्लेन था झा जी के खिलाफ उनको जो है 25 बूथ की जिम्मेवारी मिल जाती है। 25 बूथ आपका कंप्लेनिंग हो तो ये साफ तौर पे हमारे पास जिला निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर भी है यानी इलेक्शन कमीशन को भी दरकिनार करके बिना रिपोर्ट के बिना कार्रवाई के बिना सुनवाई के नियमानुसार तो उनको होने नहीं चाहिए। और आश्चर्य की बात यह है कि डेपुटेशन उनका एक महीने पहले ट्रांसफर होता तो डेपुटेशन वापस दरभंगा जो लाया जाया गया उसका भी कोई नोटिफिकेशन होना चाहिए। दरभंगा वापस लाएगा तो उसका नोटिफिकेशन होना चाहिए। हम लोगों ने वेबसाइट से लेकर हर जगह ढूंढा लेकिन कोई नोटिफिकेशन डेपुटेशन का वापस आने का हम लोगों को नहीं मिला यानी छुपाया गया। अब आप देखिए दिलीप कुमार झा जी को उजवा और तिलकेश्वर में जो है प्रभार दिया गया उनको तो आप समझ सकते हैं कई अधिकारी अच्छे होते हैं लेकिन जिनके ऊपर कंप्लेन गया है जिनके ऊपर शिकायत हुई है विधानसभा में सवाल पूछा गया है ट्रांसफर हो गया एक महीने पहले और बिना नोटिफिकेशन के उनका डेपुटेशन वापस उसी चुनावी क्षेत्र में कर दिया गया। हम लोग इलेक्शन कमीशन ने कंप्लेन की इलेक्शन कमीशन ने जिनाने में भेज दिया कार्रवाई के लिए और उनको पता चलता है कि भाई 25 बूथ की जिम्मेदारी मिल गई तो ये चीज ही कौन सा खेला खेला था। हम लोग तो शुरू से कहते हैं तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सुन रहे थे। विधानसभा उपचुनाव में वोटरों को धमकाने के लिए और एनडीए के कैंडिडेट को जिताने के लिए सरकार ने दिलीप झा की फिर से पोस्टिंग की है। दरभंगा के बिरौल में तेजस्वी ने इसको लेकर शिकायत भी की है चुनाव आयोग को लेकिन चुनाव आयोग की ओर से भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा को लेटर जारी किया गया कार्यवाही की करने का निर्देश दिया गया लेकिन फिर भी कार्यवाही नहीं की गई। और जो आरोपी डीएसपी हैं विरौल के जो डीएसपी हैं दिलीप कुमार झा उन्हें 25 बूथों की जिम्मेवारी दी गई है। तेजस्वी यादव ने बड़ा खुलासा किया है गंभीर आरोप लगाए हैं। विधानसभा के उपचुनाव से ठीक पहले तेजस्वी पूरे प्रूफ के साथ आज बैठे थे और उन्होंने कहा है कि नीतीश सरकार मेहरबान है उस डीएसपी पर। विधानसभा में जब सचेतक की ओर से शिकायत की गई तब उनकी पोस्टिंग वहां से हटाई गई और बगहा किया गया था फिर इस चुनाव से पहले सरकार ने उनकी पोस्टिंग कर दी है वहां पर। लिहाजा बिहार की सियासत गर्मा गई है फिर से तेजस्वी के इस बयान पर। बहरहाल देखना होगा क्या कार्यवाही होता है। फिलहाल अपडेट बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।